फ्रेंड शोभा की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्लीव्स का बहुत ही प्यारा पैटर्न है, जिसमें हम पाइपिंग और बॉटम का कपड़ा भी यूज़ करने वाले हैं। फ्रेंड शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। स्टार्ट करते हैं। स्लीव्स की डिज़ाइन है ये, हम लोग इसके जो बॉटम का है उस कपड़े से बनाने वाले हैं। इसको लेने के लिए आपको जो ये स्लीव्स का हम लोग या जो चौड़ाई ले रहे हैं उससे आपको इसको 2 इंच ज़्यादा लेना है, और जो लंबाई लेनी है हम लोगों को वो लंबाई हम लोग इसमें इसकी ले रहे हैं 5 इंच ले रहे हैं, 5 इंच लेके। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस पर हम लोग इस पैटर्न को काट लेंगे। पहले इस कोने से आप 2.5 इंच ले लेना, 2.5 इंच लेके ये कॉर्नर इस तरीके से कट हो जाएगा। ये कट करने के बाद ये फ्रंट 4 पीस लिए हमने, 2-2 एक स्लीव में लगने वाले हैं। कट करके और अब हम लोग सबसे पहले इसके ऊपर पाइपिंग लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो हमने दोनों कटिंग करी थी इन पट्टियों की, इसको हमने इस जगह से और इस जगह से पाइपिंग लगा दी। पाइपिंग लगाने के बाद इसको हमें इसके ऊपर इस तरीके से सेट करके हम सबसे पहले इस जगह पाइपिंग की जो है यहाँ पे टाका लगा देंगे, तो ये दोनों पट्टियाँ आपस में अटैच होंगी। फ्रेंड्स, इस पट्टी को हमने इस तरह पाइपिंग से इस तरीके से अटैच कर लिया। अब हम इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे। ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट लेके इस तरह हमने इसको पेंसिल से निशान लगा दिया, और स्लीव्स का भी हम लोग ये सेंटर पॉइंट ले लेंगे। ये क्रीज पर हमारा इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। अब इस पट्टी को हम लोगों को इस पर अटैच करना है। इसके अटैच करने के 2 तरीके हैं। एक तो हम लोग इस जगह पर पाइपिंग भी ले सकते हैं, और या इसको हम अंदर की तरफ से लगाने वाले हैं। इसको मैं अंदर की तरफ से लगाने वाली हूँ। तो इस पट्टी को इस तरीके से लेना और इस कपड़े को इस तरीके से ऐसे लेके हम लोग एक टाका दोनों को बराबर करते हुए इस जगह एक टाका लगा दें। लगने के बाद फ्रेंड्स, इसको हम ऊपर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करके और एक बार पिनअप कर लेंगे यहाँ से। ये पिनअप करने के बाद इसके जो ये जो पाइपिंग का टाका है इसी पूरे टाके पर हम लोग एक सिलाई लगा देंगे, तो यहाँ अटैच हो जाएगा। और इस जगह हम लोग इसी कपड़े के 3 बटन बना के लगा लेंगे। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन हमारे पास रेडी है। इस डिज़ाइन का देखिए एक फ़ायदा ये है कि ये अभी तो मुझे लंबाई एक्सटेंड नहीं करनी थी, कपड़ा था तो हमने इसको ऊपर की ओर बनाया। अगर हमें लंबाई एक्सटेंड करनी है तो यही पैटर्न बना के हम लोग इस स्लीव्स को नीचे की तरफ जोड़ सकते हैं यहाँ पे, तो इससे इसकी लंबाई भी एक्सटेंड हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस तरह आप हमारे साथ बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप सिलाई सीखते रहिए। धन्यवाद।